So guys, we have done this tense and we call it affirmative sentence. ये जो sentence आप देख रहे हो इनको affirmative sentence बोला जाता है. Okay? और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे negative sentence. Because बहुत समय हम लोग negative में भी बात करते हैं, ठीक है. So एक बार देख लेते हैं. आई नो कि शायद अगर मैं आपको दूं तो आप बना लोगे, फिर भी मैं एक आइडिया के लिए आई एम टेलिंग यू व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस. शी इज गोइंग टू मार्केट. सो अन्निशा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस? शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट. वेरी गुड, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट. सो हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे दो वर्ब है. तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप जब भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव करने जाओगे आपके पास दो वर्ब लगेंगे, मिनिमम दो वर्ब. सो अन्निशा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी वर्ब्स आर हियर इन दिस सेंटेंस? इज आर गोइंग, गोइंग. यस, वेरी गुड. इज एंड गोइंग, देयर आर टू वर्ब. टू वर्ब एक सेंटेंस में होना ही है, नहीं तो आप नेगेटिव नहीं कर पाओगे. ओके, सो अब क्या करना है, एक नॉट को ऐड करना है आफ्टर फर्स्ट वर्ड. आपको कोई सेंटेंस को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले देख लेना है कि उस सेंटेंस में दो वर्ब होने चाहिए. और जैसे ही हम देखेंगे कि दो वर्ब हैं, पहला वाला जो वर्ब है आफ्टर फर्स्ट वर्ब यू विल ऐड नॉट. तो इसके बाद क्या होगा, द रिजल्ट विल बी She is not going to market. ये काफी easy है, I know you people can do it. But इसके बाद जैसे जैसे sentence आएंगे आपको लगेगा कि ये जो अभी मैंने पढ़ाया ये शायद आपको help करेगा. She is not going to market. Okay. अगर आप यहाँ पे अगर आपको किसी को अगर आज के class का PDF चाहिए होगा तो वो मुझे message करेगा, मैं PDF भी आपको दे दूंगा, ठीक है. Okay guys, चलो हम लोग next वाला sentence देखते हैं. She feels good. तो चलिए राकेश जी के पास जाते हैं. राकेश, can you tell me she feels good? इसका negative क्या होगा? She not feels good. She not feels good. Okay. Sir, इसमें एक ही वर्ब है. Just a minute. मैं थोड़ा सा देख लूँ. वो very good observation है सविता जी आपका. लेकिन थोड़ा सा रुकिए. ओके, कहाँ गए? वी हैव द अदर पर्सन. या अरविंद जी, अरविंद जी, कैन यू टेल मी इसको हम नेगेटिव कैसे करेंगे? शी डिड नॉट फील्स गुड. शी डिड नॉट फील्स गुड. शी डिड नॉट फील्स गुड. ओके 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 ओके. चलिए और एक किसी के पास जाते हैं. सॉरी सॉरी सर. हाँ, क्या ही लेगा यहाँ पे? डज लेगा. She doesn't feel good. Doesn't होगा. यो हमें perfect में बोल दिया वो. Okay. हेलो वाले, हम चाहते हैं ना एक-एक करके हम लोग आगे बढ़े. एक साथ आप लोग अगर बोलोगे ना तो फिर मैं सबको चांस देना चाहता हूँ. वर्षा जी को दिख नहीं रहा था. वर्षा जी कहाँ से एकदम आ गई हम तो. या वर्षा, so you be ready. हाँ, तो वर्षा जी, you tell me what will be the sentence. She doesn't feel good. Okay. जब हम बोलेंगे नेगेटिव तो वहां पे हम लोग डजंट, हैवंट ये सब नहीं लगाएंगे. डज नॉट, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन दोनों अलग अलग टाइप सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस एब्सोल्युटली आपने सही बोला लेकिन उसको डजंट नहीं बोलेंगे, उसको डज नॉट बोलेंगे, ठीक है. और मीनिंग सेम है. डजंट एक अलग टाइप का सेंटेंस है, वो हम लोग बाद में करेंगे. अभी हम लोग कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस. और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आई थिंक राकेश आपने बोला था शी नॉट फील्स गुड. सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मिनिमम दो वर्ब मैंडेटरी हैं. यस सर. और यहाँ पे ये सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है. So, इसीलिए शी नॉट फील्स गुड नहीं होगा. हमको एक नॉट तो बैठाना ही है, वो तो पक्का है क्योंकि हमको अगर नेगेटिव करना है आई हैव टू एड नॉट. लेकिन अगर सेंटेंस में एक वर्ब है तो एक
डू वर्ब को हमको वहां पे फर्स्ट वर्ब हिसाब से बैठाना पड़ेगा। हमेशा दिमाग में रखना ये चीज, आप कभी भी कोई सेंटेंस को नेगेटिव करोगे और वहां पे अगर एक ही वर्ब होगा तो हमें एक वर्ब ऐड करना पड़ेगा और वो डू फैमिली से होगा, डू वर्ब से होगा और वो फर्स्ट वर्ब होगा। सो अब यहां पे फील्स है। सो जो डू आएगा वो ये फील्स का जो वर्ब फॉर्म है ये फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। सो डू बन जाएगा डज, डू बन जाएगा डज। हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक्स्ट्रा वर्ब जो आएगा डू फैमिली से वो देखेगा कि वहां जो वर्ब बैठा हुआ है वो किस फॉर्म में है। तो फील्स का क्या फॉर्म है अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन बता पाएगा? व्हाट इज, या सविता जी, कैन यू टेल मी ये जो फील्स है ये कौन सा फॉर्म है? व्हाट इज द वर्ब फॉर्म? हम लोग वर्ब फैमिली पढ़े थे। नहीं आप इंडेफिनिट, वो टेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब फैमिली। वर्ब फैमिली हम लोग ने पढ़ा था, प्रेजेंट, प्रेजेंट वन, प्रेजेंट टू, पास्ट। ये जो फील्स है ये कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट दो तरह का होता है, एक होता है फील और एक होता है फील्स। सो ये प्रेजेंट टू है, इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा वर्ब डू फैमिली से आ रहा है ये भी प्रेजेंट टू में ही होगा, तो इसीलिए ये डज बन जाएगा। देखो मुझे पता है आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है कि यहाँ पे डज बैठेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये डज क्यों बैठेगा, सो दैट आप जो बोलो तो उसको कॉन्फिडेंटली बोलो। सो यहाँ पे डू फॉर्म बैठेगा और वो प्रेजेंट टू में आ जाएगा, तो अब सेंटेंस बन जाएगा शी डज नॉट फील्स गुड, शी डज नॉट फील्स गुड। लेकिन हमें पता है, हम लोग ने लास्ट टाइम भी बात किया था कि डू अगर किसी जगह पे बैठा हुआ है, डू के बगल में अगर कोई वर्ब बैठेगा पार्टनर बन के, तो वो किस फॉर्म में बैठेगा? मदर फॉर्म पे। वो मदर फॉर्म में बैठेगा डू के बाद, फील। सो दैट विल बी फील। सो द फाइनल वर्ब विल बी शी डज नॉट फील गुड। हो सकता है कि आप लोगों को पता था, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये क्यों है, सो दैट जब आप थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैंडल करो, जब और टफ, ये तो सेंटेंस इजी सेंटेंस है, जब आपके पास कोई कुछ ऐसे सेंटेंस हो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा आपको। शी डज नॉट फील गुड, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट आई विल बी गोइंग टू चंद, ओके या सविता जी, टेल मी She spoke to me. सब लोग कोई नहीं बोलेगा, हाँ एकदम चुप रहेगा, हाथ उठाएगा मैं उससे पूछूंगा। यस या सविता जी बोलिए। She spoke to me. How can you make it to a negative sentence? She does not spoke to me. ये सविता जी का कहना है। सो हम जाएंगे किसी दूसरे के पास, अगर कोई बोलना चाहे तो प्लीज हाथ खड़ा करें, मैं उससे पूछूंगा। ओके आई थिंक श्रद्धा इज रेडी, वो सोच रही है कि हाथ तो हम उठाए नहीं। ओके या श्रद्धा टेल मी। सर आई थिंक शी डिड नॉट स्पोक टू मी। यस शी डिड नॉट स्पोक टू मी, शी डिड नॉट स्पोक टू मी। सर कौन? सर मैं बोल रहा हूं। सर हम बंद कर देंगे अभी, रुको आराम से, एकदम आराम से रुको एकदम। ओके मैं अभी दो, यस आई थिंक सविता जी कुछ करेक्ट करना चाह रही है। शी डिड नॉट स्पीक टू मी। हाँ ओके एब्सोल्युटली राइट, द राइट सेंटेंस इज शी डिड नॉट स्पीक टू मी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि अगर डिड या डू या डज बैठता है उसके बगल में मदर फॉर्म बैठेगा। हमेशा कभी भी अगर डू फैमिली से कोई भी बैठेगा उसके बगल वाला मदर फॉर्म होगा, और मदर फॉर्म वी नो इट इज स्पीक। सो द सेंटेंस विल बी शी डिड नॉट स्पीक टू मी। सविता जी के आसपास बहुत सोर्सेस हैं लगता है।
नहीं सर सर व्हेन डिड इज यूज्ड सर एंड व्हेन डज इज यूज्ड. अगर हमको प्रेजेंट में बोलना है कि वो नहीं बोलती है तो प्रेजेंट में शी के बगल में डज बैठेगा, आई के बगल में डू बैठेगा. लेकिन अगर मुझे पास्ट में बोलना है तो क्या होगा? शी डिड मैं बैठाऊंगा. ये डिड और ये डज ये सब क्यों लग रहा है? एक सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए. क्योंकि देखो नेगेटिव में अगर दो वर्ब हैं तो ये डू डज डिड लगाने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वहां पे मेरे को डू डज या डिड को यूज करना ही है. ठीक है ओके. तो गाइस थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए अभी. द सेंटेंस इज राज विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क. राज विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क. सो अगर मैं राकेश आपको बोलता हूं कि ओके राकेश के लिए थोड़ा टफ हो सकता है. व्हाट विल बी द प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस? नेगेटिव क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का? राकेश कैन यू स्पीक? ट्राई कर सकते हो? आई नो आप थे नहीं तो मुझे नहीं पूछना चाहिए बट स्टिल ये आपके ऊपर है. ओके राकेश के लिए थोड़ा टफ होगा. वर्षा कैन यू टेल मी प्लीज? राज विल हैव. यस वर्षा आस्क अगेन सर. वर्षा आई सेड राज विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क. ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? राज डिड नॉट कंप्लीट हिज टास्क. प्रेजेंट में राज डिड होगा. सॉरी सर राज डू नॉट कंप्लीट हिज टास्क. अच्छा राज के साथ क्या डू बैठ सकता है? राज डज नॉट कंप्लीट हिज टास्क. राज डज नॉट कंप्लीट हो सकता है. यस सर हो सकता है. हाँ तो कॉन्फिडेंटली बोलिए ना. एकदम हो सकता है सर. क्यों नहीं हो सकता? ओके वेरी गुड. हम सोच रहे कितना बार आप सॉरी बोलेंगे हम सोचे. बट वेरी गुड वर्षा. द फर्स्ट द प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा वो होगा राज डज नॉट कंप्लीट हिज टास्क. ये चार्ट जिसके पास नहीं है वो चार्ट को बना ले, उसके लिए इजी होगा. अच्छा सविता जी आई हैव अ क्वेश्चन. ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो राज विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, ये कौन से टेंस में होगा? विच टेंस इट बिलोंग्स फ्रॉम? कंप्लीटेड ना. राज विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क. फ्यूचर परफेक्ट. वेरी गुड वेरी नाइस. अभी श्रद्धा बोलेगी कि राज विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क का नेगेटिव क्या होगा? राज डज नॉट कंप्लीटिंग हिज टास्क. श्रद्धा अच्छे से समझो, हम डज नॉट डू नॉट डिड नॉट को नहीं लाएंगे अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हैं. हम इस सेंटेंस में ऑलरेडी देख रहे हैं कि तीन तीन वर्ब्स हैं. राज विल हैव मतलब विल हैव कंप्लीटेड, तीन वर्ब है तो कुछ करना ही नहीं है. नॉट को पहले वाले वर्ब के बगल में ऐड कर देना है. राज विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज टास्क. ये डू डज कब बैठाएंगे? जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो. अदरवाइज डू डज डिड बैठाने का जरूरत नहीं है. सो द सेंटेंस विल बी राज विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज टास्क. दिस इज द नेगेटिव फॉर्म. फर्स्ट वर्ब के बगल में एक नॉट बैठा दीजिए, बस आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया. ओके थोड़ी देर पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉज राज डज नॉट कंप्लीट हिज टास्क.
this is present indefinite. Okay. Now I will go to Annesha. Annesha, tell me present continuous negative sentence. Same sentence. Yeah, same sentence. Present continuous negative. Yes. Okay. Fast. Raj. Okay. Yeah, tell me. Raj will not completing his work, a task. You're talking about present continuous. Present continuous. Raj will not completing his task. Annesha, we are talking about present. We are not talking about future. Why you are adding will? Raj is not completing his work. Very good. Raj is not completing his task. Oh, sorry. Very good. Work nahi. Okay, now I'll go to Arvindji. Arvindji, tell me the next sentence. Yeah. What will be the next present perfect negative mein kya hoga? Raj has not completed his work. Raj has not completed his task. Very good. Very nice. Dino Bondhu, tell me the next present perfect continuous. Raj has been Raj has not been completing his task. Very good. Raj has not been completing his task. Very good. Very good, Dinobandhu. What happened, Dinobandhu? No light? No, sir. No current, nothing. Full thundering and the rain is going on. My God. Okay. Okay, guys. We'll go to the next speaker. Let's Jaya speak the next. Past indefinite, Jaya. Raj has not been completed his task. I'm talking about past indefinite. Past indefinite ka sabse pehle dimag mein rakhiye ki affirmative sentence kya hoga, fir usko negative mein convert kijiye. Yes. Raj will have complete his task. Past mein will kahan se aayega, madam? Okay. I'll go to Kumari Sakshi. What will be the past indefinite? Raj does not completed his task. Phir se repeat. Raj does not completed his task. Aap past mein does not kaise laga sakti hain, Kumari Sakshi ji? Sir, bolvo. Ruko, miss bolvo, thoda wait kijiye aap. Okay, Savita Raj, ji, tell me. Raj had not completed his task. Kumari Sakshi, we are going to try. Yes, sir. Raj do not completed his task. You are doing two mistakes. Okay, I'll go to Varsha. Raj did not complete his task. Guys, we are talking about past indefinite. Matlab sentence kya hoga? Raj completed his task. Affirmative sentence. Affirmative sentence hoga. Raj completed his task. Ab agar completed hoga, matlab ek hi verb hai, to mere ko ek extra verb lana padega do se.
अब यहाँ पे कंप्लीटेड है मतलब ये पास्ट है, मतलब इसमें हमको डिड लगाना पड़ेगा। आप कैसे डू या डज लगा सकते हो, यहाँ पे डिड लगेगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि डू का कोई भी आए उसके बगल में मदर फॉर्म होगा, तो आप कैसे कंप्लीटेड यूज कर सकते हो। सो द राइट सेंटेंस विल बी राज डिड नॉट कंप्लीट हिज टास्क। वेरी गुड वर्षा, वेरी नाइस। क्या हो रहा है सबको, आप लोग कैसे दिमाग से आपका निकल जा रहा है। ओके अन्निशा, नहीं अन्निशा को ये सेम सेंटेंस हो जाएगा। तो या श्रद्धा टेल मी द पास्ट कंटिन्यूअस। राज does not completed his task. दिमाग में पहले रखिए कि यहाँ पे affirmative sentence क्या होगा, फिर उसको negative में करने में आपको, या एक मिनट श्रद्धा, let श्रद्धा complete। या श्रद्धा affirmative sentence क्या होगा यहाँ पे past continuous में, अगर affirmative होता तो क्या? राज did not completing his task. No. राज was होता। Okay, Raj was. Raj was not completing his task. Yes. Very good. Affirmative sentence is Raj was completing his task. So the negative will be two verbs तो है, तो कोई do did लगाने का जरूरत नहीं है। Raj was not completing his task. Raj was not completing his task. Raj was not completing. सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर ये मतलब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। हाँ मतलब नॉर्मली हमने अफर्मेटिव लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट? यस। सो ऊपर में एक सेंटेंस दिया गया है, देखिए राज विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क। अगर ये वाली सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बैठेगी नेगेटिव में तो कैसा होगा सेंटेंस? ओके ठीक है, शायद आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अभी समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया। तो अभी आप समझ में आ गया तो चलिए आप ही से स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यस। Raj have been completed his class. No, have been. May I try? Raj had been completed his class. No, okay. Next will be Rakesh. Rakesh, tell me. Raj have not completed his work. Absolutely. यहाँ पे जो affirmative tense है वो क्या है? Raj had completed his task. तो यहाँ पे already had और completed दो verb तो हैं, बस पहला वाला verb के बगल में एक not add कर देना है। Raj had not completed his task. Raj had not completed his task. यहाँ पे been नहीं बैठेगा, been हमेशा continuous में बैठता है, चाहे वो normal continuous हो या perfect continuous हो। ओके नेक्स्ट विल बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो या कुमारी साक्षी। राज हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग हिज टास्क। एब्सोल्युटली राइट, द राइट सेंटेंस इज राज हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग हिज टास्क। ओके सो नेक्स्ट विल बी अन्निशा, टेल मी द नेक्स्ट सेंटेंस। আমাকে তো ডিফিকাল্টটা দেবেন না স্যার। Okay, because I think you can face the difficult word sentences, na? So that is the reason. Yes. Tell me, Anisha, what will be future indefinite? Future indefinite. Right. When you know the magic, there is nothing difficulty there, you know? Yes. Future indefinite. Yes, future indefinite.
Okay. मेरे बोलने से क्या होता है, वही तो दिख रहा है कि बाकी है. ये है ना टाइम निकालने का, और कितना हम टाइम निकाल सकते हैं, ये सब स्ट्रेटेजी है. थोड़ा सर को थोड़ा सा बोले ना सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. हाँ चलो. राज विल नॉट कंप्लीट हिज टास्क. एब्सोल्युटली राइट, राज विल नॉट कंप्लीट हिज टास्क. टास्क को आप लोग वर्क बना रहे हो, बहुत देर से देख रहा हूँ. ओके सविता जी, नेक्स्ट सेंटेंस. राज विल नॉट बी कंप्लीटिंग हिज टास्क. ओके वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन. सो चलिए अरविंद जी से पूछते हैं लास्ट वाला. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. Raj will not have been complete his task. थोड़ा सा गलत हो गया. Raj will not have been complete his task. Okay. गलत है थोड़ा सा. श्रद्धा, can you tell me the right answer? Raj will not have been completing his task. Absolutely right. Raj will not have been completing his task. Completing his task. ओके गाइज, एक काम करेंगे आज थोड़ा. आज आई नो दैट टुडे वी डिड सम प्रैक्टिस सेशन आल्सो. सो मुझे लगा कि यू नो सिर्फ ग्रामर नहीं, जब भी हम लोग ग्रामर के लिए आएंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन द ग्रामर कम्स. ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नो इफ यू डोंट स्पीक ग्रामर विल नॉट हेल्प. बहुत लोग हैं वो बोलते हैं सर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ग्रामर में फोकस. सर वन मोर सेंटेंस. हाँ अल्लाह लाल, विल डू दैट सविता जी. सो भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर ग्रामर और प्रैक्टिस दोनों में चूज करना है ना, तो हमेशा प्रैक्टिस को करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑफ कोर्स ग्रामर इज इम्पोर्टेंट, बट प्रैक्टिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी मच. ओके एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे. नाउ दिस टाइम द सेंटेंस इज they will be calling me. This is the sentence. They will be calling me. We are doing negative sentences. So Rakesh will be the first speaker to tell me they will be calling me. Ye sentence kis box se related hai? Tense ke sare box mein kaun sa hai? Future continuous. सविता जी आपका नाम राकेश भी है. मेरे को ना यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, एक ही क्लिक से सारे म्यूट हो जाएंगे. ओके सो राकेश अगर आपको बोलना होता तो कौन सा बोलते हैं? सर फ्यूचर कंटिन्यूअस. ओके चलिए, तो जब बोली दिए तो इसका नेगेटिव करके आपको आपको बोलना पड़ेगा. दे विल बी कॉलिंग मी, व्हाट विल बी द नेगेटिव? They will not be calling me. So it is absolutely very easy. Yeah, Jaya, you tell me the first present indefinite. They will call me. Present indefinite. Present indefinite mein will kyun aayega, madam? अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो क्या होता? पहले आप ये बताओ जया. दे कॉल मी. दे कॉल्स नहीं होता है, दे कॉल मी होता है. दे प्लूरल है, किसी प्लूरल के बगल में कॉल्स गोज नहीं होगा. प्लूरल होगा तो कॉल मी होगा. सो अगर द सेंटेंस इज दे कॉल मी, देन व्हाट विल बी द नेगेटिव सेंटेंस? They do not call me. देखते हैं हमारा सही जवाब. Yes, they do not call me is the right answer.
सविता जी जस्ट आप ना हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा, डोंट वरी. यस जया जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे डू नॉट कॉल मी इज द राइट आंसर. यस, नेक्स्ट आई विल गो टू अरविंद जी. चलिए फास्ट फास्ट करते हैं. अरविंद जी टेल मी द नेक्स्ट. सर या दे आर कॉलिंग मी. ओके, नेगेटिव सेंटेंस होगा सर. दे आर नॉट कॉलिंग मी. Absolutely right. The right sentence is they are not calling me. Okay. Okay. Next, I'll go to Rakesh. Tell me, Rakesh, the next sentence. They has not called me. Onesha, is it a right sentence? They has not called me. What will be the right? Contents. যে টেন্সে এখন রাকেশ বলছিল সেই সেই টেন্সেই দে হ্যাজ নট কল্ড মি. দে হ্যাভ নট কল্ড মি. রাকেশ, দে কে বাদ কবি হ্যাজ নহি হোগা, দে কে বাদ হমেশা হ্যাভ হোগা. ওকে, বাট হ্যাঁ, আপনে ট্রাই সহি কিয়া হে. শ্রদ্ধা, টেল মি দ্য নেক্সট সেন্টেন্স. দে হ্যাভ নট They have not called. थोड़ा थोड़ा सा और बेटर हो सकता है. Perfect continuous. There will be three verbs. They had not calling me. They have not calling me नहीं होगा, कुछ missing हो रहा है. They have not been calling me. Absolutely right. They have not been calling me. ये क्यों हो रहा है पता है? Because most of the people, you people are not practicing at home. I don't know what is stopping you to practice. प्लीज गाइज, आई नो कि हम लोग बिजी है, बट हम लोग ये क्लास को क्यों ज्वाइन किए हैं? सो दैट वी कैन प्रैक्टिस मैक्सिमम. जब क्लास स्टार्ट हुआ था ना, तभी मैंने बोला था नॉट एवरी वन विल प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन. यही होता है बात है कि आप खुद को क्यों डिसिप्लिन नहीं बना रहे हो? यू नो, आप लोग को पता है, बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट होम, दैट इज द प्रॉब्लम. क्लास में आप लोगों को पता चल जा रहा है, सो दैट इज द फाइन, एंड यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग कि ओ माय गॉड, आई नो दैट यू नो, बट यू डोंट प्रैक्टिस. मुझे पता है कि स्विमिंग कैसे होता है, जानने से नहीं होगा, मुझे पानी में कूदना पड़ेगा. वो यूट्यूब से मैं स्विमर नहीं बन सकता जब तक मैं पानी में नहीं कूदू. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, नेक्स्ट आई विल गो टू कुमारी साक्षी. टेल मी द पास्ट इंडेफिनिट. They did not called me. फिर से बोलो. They did not called me. फिर से. तीन चांस मिलेगा आपको. They do not called me. Yeah, sir. एक मिनट रुको यार, यहाँ पे एक बच्ची ट्राई कर रही है आप लोग. मैंने मतलब डिड को डू कर दिया, पास्ट है तो डिड ही बैठेगा. एब्सोल्युटली राइट. पूरा सेंटेंस एक बार फिर से रिपीट करो. सर वेट, आई दे डिड नॉट कॉल मी. एब्सोल्युटली राइट. क्या हो जाता है यार आप लोगों को, आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो और जो पता है वो भी गलत करते हो. हमने बोला था ना कि डू या डिड या डस के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो वो मदर फॉर्म में होगा, तो वो कॉल्स नहीं होगा या कॉल्ड नहीं होगा, वो सिंपल जो मेन फॉर्म है कॉल वो होगा. ओके, नेक्स्ट आई विल गो टू राकेश. अच्छा दीनबंधु है ना, दीनबंधु इतना अंधेरा में मेरे को दिखा ही नहीं. ओके, आई विल कम टू दीनबंधु. या राकेश टेल मी. They was not calling me. They was not calling me. अच्छा. They were not calling me. देखा, आपके कान में भी थोड़ा सा कैसा कैसा किया कि कैसा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज कर लो.
तो सोचिए जब आप बोलते होगे तो लोगों के कान में भी जाता होगा, राइट? मतलब आप जब खुद बोले तो आपके कान में नहीं आया, जब मैंने बोला तब आपको समझ में आया। इससे मतलब क्या है, हम लोग खुद का मिस्टेक नहीं पकड़ते, हम दूसरे का मिस्टेक पकड़ते हैं। हो सकता है वो मिस्टेक हमने भी किया होगा लेकिन वी डिडंट कैच दैट मिस्टेक। ओके, ऑफ कोर्स राइट, दे वर नॉट कॉलिंग मी इज द राइट आंसर। ओके दिनोबंधु, योर सेंटेंस नेक्स्ट, अनम्यूट योर सेल्फ। दे हैड नॉट कॉल्ड मी, absolutely right, they had not called me. Okay, Savita ji, unmute yourself. They had not been calling me. Phir se repeat. They had not been calling me. Absolutely right, they had not been calling me. Absolutely right. Yes, well, go to the next. Jaya Pandey, future indefinite. They will not call me. Absolutely right. They will not call me. Okay. Jay Yadav, you are there. Agar ho to a jao. Okay. Varsha, you are there. Varsha, aapka haath shayad camera ke upar hai. Okay. Yes. They will not have called me. They will not have called me. Absolutely right. They will not have called me. They will not have called me. Okay, we are left with the last one. So, okay, Shraddha, you will be speaking the last one. They will not have been. They will not have been completed. पूरा verb को change कर दिया आप। एक सेकेंड सर, जस्ट एक सेकेंड। They will not have been calling me. Okay, yes, absolutely right. इतना tension क्यों है आपको पता नहीं? They will not have been calling me. Guys, हमारा देखते देखते ना हम लोग अभी although 30 days के अंदर हम लोग एक कोर्स को डिजाइन किए थे, हम लोग अभी काफी एंड की तरफ आ रहे हैं, तो वी नीड टू बी मोर सीरियस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। यू नो ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट होम, देयर इज नो एनी अदर रीजन। हम लोगों को पता है व्हाट इज राइट बट ऑन द स्पॉट इट इज नॉट कमिंग इन आवर माउथ बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। सो हम लोग जब छोटे थे उस समय नहीं प्रैक्टिस किए थे, इसलिए आज हमें ये क्लास करना पड़ रहा है। आज हमारे पास फिर से अपॉर्चुनिटी आया है कि हम खुद से अपने आप को करेक्ट करें। अब फिर से अगर हम वही गलती करेंगे जो हमने बहुत साल पहले किया था तो फिर हम लोग वहीं पहुंचेंगे जहां पे हम ऑलरेडी हैं। सो बहुत लोगों को अपने गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता है। मैं तो एक जरिया हूं, अगर आप चाहोगे अपनी गलतियों को सुधारना तो कोई भी आ जाएगा आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन हेल्प करने से नहीं होगा ना। यू पीपल हैव टू, आई एम टेलिंग टू एवरीवन दैट यू नो वी ऑल हैव टू, मतलब लगे रहना, वी हैव टू वर्क इन द मिशन। हमारा मिशन क्या है कि वॉट एवर हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं डेली, अगर मैं आपके जगह होता तो क्या करता, अगर मैं आपके जगह होता तो अगर मुझे आज टेंस पढ़ाया जाता तो मैं क्या करता, मैं एक एक सेंटेंस लिखता। सपोज द सेंटेंस इज दे कॉल मी, मैं उस सेंटेंस को एफर्मेटिव में पहले लिखता, दे कॉल मी, दे आर कॉलिंग मी, दे हैव कॉल्ड मी, दे हैव बीन कॉलिंग मी, फिर उसको मैं बोलता, दे कॉल मी, दे आर कॉलिंग मी, दे हैव कॉल्ड मी, दे हैव बीन कॉलिंग मी, दे कॉल्ड मी, दे वर कॉलिंग मी, दे हैड कॉल्ड मी, दे हैड बीन कॉलिंग मी, दे विल कॉल मी, दे विल बी कॉलिंग मी, दे विल हैव कॉल्ड मी, दे विल हैव बीन कॉलिंग मी, दे विल, यू नो,
ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे मुंह में स्पीड है. सो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये स्पीड चाहिए और मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेंटेंस बन के निकल आएगा. ये कब होगा? जब मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा. सो गाइज, इफ यू ऑल्सो प्रैक्टिस, यू विल ऑल्सो मेक इट. बात ये, यू नो, आई नो दैट 30 डेज आर नॉट इनफ. ये जो एक महीने का हमने ये रखा है पैकेज, ये इनफ नहीं है. लेकिन अगर किसी का दिमाग खुल गया ना, तो 30 डेज के बाद की जो जर्नी होगी, चाहे वो आप खुद करो या हमारे साथ करो, वो आपके लिए इजी होगा करना. सो गाइज, आई एम टेलिंग टू एवरीवन, प्लीज बी सीरियस. आप अगर लगे रहोगे, देन यू विल सी सो मेनी चेंजेस इन योर पर्सनालिटी एंड योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. प्लीज थिंक ऑन इट. ओके, एक काम करते हैं, आई एम गिविंग एवरीबडी वन सेंटेंस. आप लोग क्या करोगे, वो सेंटेंस का नेगेटिव बना के आप मुझे ग्रुप में ही मैसेज करोगे. ठीक है, मैसेज करोगे, चाहे वो ऑल द 12 फॉर्म्स लिख के मैसेज करोगे, या आप अपने कॉपी में लिख के, यू विल टेक द पिक्चर एंड यू विल व्हाट्सएप, दैट इज अप टू यू. सो आई एम गिविंग यू सेंटेंस, एवरीवन, यू जस्ट हैव टू राइट ऑल द negative sentences and you have to send it to me. Okay, so I'm giving it to everyone. Okay, first let's start with Dinobondhu. Dinobondhu, just a minute. Okay, Dinobondhu, your